हेलो हाय तो हो गया। और बताएं आप सभी लोग, क्या चल रहा है? कौन ऑफिस में, कौन घर में है और कौन कहाँ है? अभी मेरी क्लास चल रही है, बाद में बात करता हूँ। ओके, आप अपने क्लास पे फोकस करिए। रेडी यू लिव, मैं कानपुर में रहती हूँ। हाई, यू लुक वेरी गॉर्जियस। थैंक यू सो मच, वेरी मिस। ओके, वेरी मिस। कब शादी करेंगे आप बताइए मुझसे? आप कैसे हैं? ठीक है, लिटिल बिट आई गेस। ठीक ही हो? भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो एंड लव फॉर पाकिस्तान जी। हेलो हाय, ऑफिशियली राहुल रॉय। हेलो राहुल जी, ब्रेकफास्ट हुआ क्या? नहीं अभी, नहीं ब्रेकफास्ट हो गया मेरा। मैंने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया? भिंडी पराठे, चाय, टोस्ट। आई लव यू, ओ माय गॉड यू लव मी, बहुत मस्त लग रही है। थैंक यू। क्यों क्या हुआ? सभी लोग मैरिज प्रपोजल ही भेजते रहेंगे क्या? आप कहाँ से? मैं कानपुर। एक्चुअली कुछ टाइम बाद मैं बात जब होगा तभी बताऊँगी। मैं 4-5 दिनों के लिए इंस्टा बंद करूँगी, अभी नहीं, अक्टूबर में तब आप सबको बता दूँगी। मैं स्टोरी मेंशन कर दूँगी, आप लोग मुझे फॉलो करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। आफ्टर 5 डेज मैं ऑलमोस्ट, मुझे उम्मीद है मैं 5 दिनों बाद वापस ठीक होकर रिकवर होकर आ जाऊँगी, क्योंकि कुछ इशू है तो शायद मैं 5 दिनों के लिए गैप रहूँगी। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, लव यू सारे, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़, आप लोग भगवान से मेरे लिए प्रे करिएगा उस टाइम कि मैं जल्दी से ठीक होकर आ जाऊँ इंस्टा पे वापस। आप सबकी दुआएं बहुत असर करेंगी। हेलो मैडम, हेलो, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। हे डीपी, 4-5 दिन के लिए करेंगे, कंटेंट से रेस्ट मिलेगा, टाइम कंटेंट से रेस्ट मिलेगा। ओके भाई, तो आप का यहाँ पे हो? जाओ जाके किसी और उसमें देखो, फालतू में यहाँ लगे पड़े हो। बकवास करने के लिए टाइम बहुत है आपके पास। तुम्हारे बाल बहुत चंकी हैं। जी हाँ, नेचुरली है एक्चुअली। मैं डॉक्टर फ्रॉम लखनऊ। ओके जी, डॉक्टर फ्रॉम लखनऊ से। नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, डीएम चेक करो। ओके, ब्यूटीफुल। आप ये बता दीजिए कौन सा सॉन्ग आपने रिक्वेस्ट किया है। मैं हाय हाय, हेलो हाय। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपके बाल को दे दो। अब मेरे बाल लेके क्या करेंगे? गुस्सा नहीं, नहीं मैं गुस्सा नहीं होती हूँ। लोग बकवास करते हैं तो गुस्सा आ जाती है मुझे। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। अच्छा, पता है मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जो लोग किसी की लाइफ में आके ऐसे गलत गलत और बेकार की चीज़ें बोलते हैं, उनको क्या मिलता है? वो शो तो अपनी ही परवरिश कर रहे होते हैं कि देख लो जरा क्या करें। और रही बात हमारी, हम एक रील बना रहे, एक कंटेंट बना रहे और अपनी लिमिट जितना हम कम्फर्ट जोन में उतना बना रहे। अगर देखने वाले का नज़रिया ही गलत होगा तो उसको गलत ही लगेगा ना। ब्लैक साड़ी, हाँ वो तो मुझे पता है, ब्लैक साड़ी मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगती है, आई नो दैट। एंड रेड भी अच्छी लगती है, ग्रीन भी अच्छी लगती है। थैंक यू। आपका क्या कहने का मतलब? मैं सिर्फ ब्लैक साड़ी में अच्छी लगती हूँ, बाकी कोई कलर नहीं अच्छा लगता मुझ पर। हेलो फ्रेंड, हेलो हाय। सोने नी सोने सोने ख्वाब रंग देखना, मुझे साड़ी पहनना किसने से सीखा? मैंने एक्चुअली, मैंने एक बार ना शिल्पा शेट्टी को देखा था पहले ऐसा, और सबसे पहले मैंने दीपिका पादुकोण को देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो स्टाइल, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं वैसे ही वेयर करने लगी। एंड एक सीक्रेट बताऊँ, मुझे देख के काफ़ी लोगों ने वैसे ट्राई किया है। नहीं, फीवर नहीं है, एक छोटी सी सर्जरी है मेरी। क्या हुआ तबीयत को? नाइस वीडियो, थैंक यू। सिर्फ ब्लैक और कोई कलर नहीं? ओके, बट आई एम सॉरी, मैं सिर्फ ब्लैक नहीं रहती। गाना मत गाया करो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गाऊंगी, फिर से गाऊंगी। एक ही फिल्टर है, मैंने आज नया फिल्टर ट्राई किया है। ओनली रेड।
रियल फेस रिवील कर दो, आप जाके मेरी रील देख लो, रियल फेस भी दिख जाएगा आपको। इंस्टा पे बैठे हो, बातें करनी है, फिल्टर पे ज्ञान देना है, मतलब कंटेंट कुछ ढंग का लेके आया करो ना बात करने के लिए। ये क्लास बंक नहीं माननी चाहिए भाई, मैं सिर्फ एक ही फिल्टर लगाती हूँ, मैं 10 फिल्टर नहीं लगाती हूँ। अब एक भी फिल्टर नहीं लगाऊंगी तो वो मुझे इंस्टा वाली फील नहीं आती। एक तो बनाया मैंने विदाउट फिल्टर, तो मुझे इंस्टा वाला फील नहीं आता, तो मैंने सोचा चलो फिल्टर लगा लेते हैं। इंस्टाग्राम में जी आप फिल्टर में कम देखिए, गाना मेरी अपनी चॉइस है, मैं जरूर गाऊं, किसको सुनना सुनो, जिसको नहीं सुनना वो भाग जाए। हाँ जवान का एक सॉन्ग आया है, मैं भी उसको ट्राई करना चाहती हूँ। मैं फ्रॉम आसाम, ओके मैं आपको हेलो ही नहीं कह रही। हेलो 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 जितेन कुमार पाल जी, क्या करेंगी आप इतने फॉलोअर्स का, क्या करेंगे आप इतने फॉलोअर्स का अगर आपको इतने फॉलोअर्स बन जाए, बताइए। रील बनाते टाइम थोड़ा कम करोगे, रील्स बनाते टाइम मैं एक ही फिल्टर यूज़ करती हूँ, बट मुझे लगता है ना क्वालिटी का इशू हो रहा है, आई थिंक लाइटिंग का है या जो भी है, तो कुछ तो इशू हो रहा है। मैं ट्राई करूँगी थोड़ा अच्छी वीडियो आने का। मैं डेली साड़ी नहीं पहनती हूँ, मैं डेली यही लोअर टी शर्ट पहनती हूँ, साड़ी सिर्फ मैं रील बनाने के लिए पहनती हूँ, मैं रील में साड़ी पहन के नहीं घूमती। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जितेंद्र जी मैंने रिप्लाई किया, आप कैसे हैं बताइए, और आपने खाना वाना खाया, आपने ब्रेकफास्ट किया, देखिए मैंने रिप्लाई भी किया, पूछा भी क्या कहते थैंक्स जी। कमल जी मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी, बट प्रॉब्लम क्या है ना, मैं सेल्फ से रील शो मतलब शूट करती हूँ ना स्टैंड पे, तो वो उतनी अच्छी नहीं आती। प्लीज ब्लैक जींस ब्लू टॉप में वीडियो पोस्ट करो। अच्छा 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 ब्लैक जींस ब्लू टॉप, ब्लू टॉप ब्लू टॉप मुझे आप सेंड कर रहे हैं क्या, जो मैं ब्लू टॉप में भेजूँ सॉरी बट मेरे पास ब्लू टॉप नहीं है। राम राम जी, राम राम, थैंक यू। मूवी में ट्राई करो, मूवी में ट्राई करो, मूवी में तो नहीं ट्राई करना चाहती, मैं मॉडलिंग में ज़रूर ट्राई करना चाहती हूँ, होपफुली कुछ अच्छा ऑफर आए तो। यू लुकिंग लवली, यू नो आई नो, थैंक यू। देवा उपाध्याय जी क्या आपको कभी ठंडी लग रही, कभी गर्मी लग रही है, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। सोड़े नी सोड़े सोड़े, अपनी एडवाइस आप किसी और को दें, ठीक है ना। आदि लंसारी जी गेट आउट ऑफ माय लाइफ, मेरी फोटो लगा के कौन आ गया। आप योगा करती हैं क्या जी, बहुत टाइम से करती हूँ जी, मैं योगा करती हूँ, मैं रेगुलर योगा करती हूँ, रेगुलर नहीं कभी कभी गैप भी कर देती हूँ 4-5 दिनों का, वीक में 3-4 दिन तो करती हूँ। पर्सनल रिप्लाई मैं नहीं करती हूँ, मैं ऐसे लाइव में बात कर सकती हूँ। हाँ ये सब अभी मैंने किया नहीं, मॉडलिंग एजेंसी को फोटो भेजना एंड ऑल, ट्राई करूँगी मैं ये सब जी। आप क्या लग रहे हो, हाय डिप्पी जी बिग फैन। हेलो दीप जी, अरे दीप आपका नाम दीप है, मेरा नाम डिप्पी, सेम सेम। कोई बीएफ है क्या, बीएफ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। रील्स बनाने का आइडिया कैसे आया, रील्स बनाने का आइडिया मुझे ऐसे आया कि मैं बिफोर 1 ईयर बीमार थी और हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ थी 1-1.5 साल पहले, तो मुझे कुछ लोगों ने, मैं बहुत टाइम तक मैं पूरा दिन वही सोचती रहती थी कि क्या करूँ क्या करूँ, मैं मतलब बीमारी में हुई, तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि तुम इंस्टा पर रील्स बनाया करो, तुम्हारा टाइम कट जाएगा। फिर ट्राई किया तो शौक लग गया। अच्छी है आप सुपर वीडियो बनाते रहो और आगे जाओ, ओ फुली देखते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है, कई बार अगर इंस्टा ग्रो करना बंद कर गया तो मेरा दिमाग अगर हो गया तो शायद मैं बंद ही कर दूँगी।
जी 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 मैं बिल्कुल मेंशन कर सकती हूँ आपकी स्टोरी ऐसे। ओ भाई ना बंद करो, अब थोड़ी बॉडी बिल्ड करो। नहीं मैं करना नहीं चाहती बॉडी बिल्ड, सब ठीक है जो है जैसा है, अपने आप से हो जाएगी तो ठीक है, करना नहीं है ना। मैं वेट गेन करने का ट्राई करती हूँ ना वेट लूज करने का, मैं जैसी वैसी ही रहती हूँ। आपको यूट्यूब पे कमी आती है क्या बात है? तो बाय।